पुण्यवान महात्मा ना शक्ति तप्ति उत्तपन चौविशी अनंत नु भेगु स्वरूप छू पांच हजार वर्ष थी जे गुंजे छे अविराम नटवर नागर निते योग बलनी वेणु छू लौकिक धोरणनी बहार आखा जगती ऊपर कृपा निधि अलौकिक धोरणातीत छू स्थूल सूक्ष्म कारण थी एक पण भूल नथी ते थी ज ऊपरी नो ऊपरी ते हूँ ज छू दिव्य चक्षु उपयोगे सर्व धर्म समानत्व चांद सूर्य संगाथी सौम्य प्रताप छू त्रण सौ साठ अंश नो अभेद दृष्टा सर्वदृष्टि ज्यां ठरे ते मध्य बिंदु हूँ ज छू प्राकृतिक भमरडामा सर्व आत्म निर्दोष शुद्ध दृष्टि वाड़ो हूँ परम आत्मा ज छू जगत के मचाल छे ते एकलो ज जाननार व्यवस्थित रहस्य भेद मूळ हूँ अभेद छू संयोगी पुरावानी मणखमेख व्यवस्थित पालक पोषक स्वयं सिद्ध ज्योत छू प्रतिष्ठित आत्माने विश्वधारणा स्वयं अनादि अनंतनो दीप्तिमंत फोड़ छू पुद्गलिक करामति रमणामा अनासक्त शास्त्रीय सरगम मा संगीत सुगम छू पुण्यवान महात्मा ना शक्ति तप्ति उत्तपन चौविशी अनंत नु भेगु स्वरूप छू चौविशी अनंत नु भेगु स्वरूप छू चौविशी अनंत नु भेगु स्वरूप छू। चैप्टर 112 शक्ति की उपासना करने का सही तरीका क्या है। एक बार सत्संग में एक बहन जी ने प्रश्न किया, शक्ति की उपासना करने का सही तरीका क्या है। तब आप्त पुत्र ने बहन जी से प्रश्न किया, आप अभी शक्ति की उपासना कैसे करते हैं? माता जी की पूजा अर्चना करते हैं, साल में 2-4 पूनम भरते हैं, पैदल अंबाजी की यात्रा करते हैं, नवरात्रि में अनुष्ठान करते हैं। बहन जी ने नम्रता से जवाब दिया। यह सुनने के बाद आप्त पुत्र ने पूछा,
यदि आपको एक पतली लकड़ी दी जाए तो आप कितनी देर में तोड़ेंगे? तुरंत ही। दो लकड़ी दें तो थोड़ा वक्त लगेगा। और अगर 100 लकड़ियों का गट्ठर दिया जाए तो बहुत परिश्रम करने पर भी नहीं तोड़ पाएंगे। बराबर है। अब आपको ऐसा लगेगा कि इस दृष्टांत में माताजी का तो कहीं नाम ही नहीं आता। यह बात भी सच है। हम नामधारी माताजी की भक्ति करते हैं, इसलिए ऐसा सोचते हैं, किंतु वास्तव में उसे लौकिक या परोक्ष भक्ति कहा जाता है। जब हम उनके गुण की भक्ति करते हैं तो उसे अलौकिक या प्रत्यक्ष भक्ति कहा जाता है। यहां हम मूर्ति या नामधारी माताजी की उपासना की बात नहीं कर रहे हैं। यद्यपि यह भक्ति भी अपनी जगह तो अच्छी ही है, किंतु यदि हम माताजी अर्थात शक्ति की उपासना सही अर्थ में समझ लें तो हमारे भीतर शक्ति प्रकट होती है, हम स्वयं भी उसी रूप हो जाते हैं। एक लकड़ी और लकड़ी के गट्ठर के दृष्टांत से हमें यह समझना है कि यदि हमारे में एकता होगी तो कोई भी शक्ति हमें तोड़ नहीं सकती, और यदि हमारे मन में जीव मात्र के प्रति भेद होगा तो हम एक होने के बावजूद भी एक नहीं रह पाएंगे। एकता के अभाव में हमारी शक्ति क्षीण हो जाएगी और हम टूट जाएंगे। अतः हमें एक एवं अभेद रहना है। एकता से मिलजुल कर रहने को ही शक्ति की उपासना कहते हैं। ऐसा करने से हमारे भीतर अनंत शक्तियां प्रकट होती है, अतः कोई दूसरी शक्ति हमें तोड़ नहीं सकती। 100 लकड़ियों के इकट्ठे होने से गट्ठर की प्रत्येक लकड़ी की शक्ति 100 गुनी हो जाती है, और यदि यही 100 लकड़ियां अलग अलग हो जाती है तो लकड़ी की शक्ति क्षीण हो जाती है और उसमें एक ही लकड़ी की शक्ति शेष रह जाती है। एकता के लाभ व एकता के टूटने के कारण होने वाले नुकसान के बारे में हमारे देश व दुनिया का इतिहास साक्षी है। इस प्रकार व्यवहार में, कुटुंब में, समाज में, राज्य में, देश में तथा दुनिया में एकता रहे तो अनंत शक्तियां प्रकट होती है और इसका लाभ भी सभी को मिलता है। वसुधैव कुटुंबकम हो जाता है। अब हमें अपने जीवन में झांक कर देख लेना चाहिए कि हम एकता बढ़ाने का कार्य करते हैं या एकता तोड़ने का। यदि हमारे द्वारा एकता तोड़ी जाती है तो वह शक्ति की उपासना कहलाएगी या विराधना। जब हम फुर्सत के वक्त में 4 लोग इकट्ठे होते हैं तो मानव मानव के बीच में रिश्ते जोड़ने, रिश्तों को मजबूत करने का कार्य करते हैं या मानव मानव के बीच के अच्छे रिश्ते को तोड़ने, क्षीण करने का कार्य करते हैं, हमें यह देखना होगा। नई नवेली बहू के आगे हम ननंद व सास की बुराई करते हैं तथा सास ननंद के सामने बहू की बुराई करते हैं। उसी प्रकार भाई भाई, दो मित्र या दो पार्टियों के बीच, जाति जाति के बीच, राज्य राज्य के बीच, भाषा भाषा के बीच, विभिन्न धर्म और विभिन्न संस्कृतियों के बीच, नई तथा पुरानी पीढ़ी के बीच, अमीर गरीब के बीच असमानता दूर हो, भेदभाव दूर हो, झगड़े निर्मूल हो, ऐसे कार्य होते हैं या इसके विपरीत कार्य होते हैं। हम फुर्सत के समय में लोगों के सुखी संसार में आग लगाने का कार्य करते हैं या दुखी संसार की आग बुझाने का कार्य करते हैं। यदि टूटे हुए संसार को जोड़ने का कार्य करते हैं, दुखी संसार में आग बुझाने का कार्य करते हैं,
तो हम सच्चे अर्थ में शक्ति की उपासना करते हैं। दादा भगवान ने हमें विशेष रूप से कहा है कि पूरा जगत तोड़ने का कार्य करता है, लेकिन हमें जोड़ने का कार्य करना है। तोड़ने वाले तो अनेक हैं, लेकिन जोड़ने वाले तो विरले ही होते हैं, कुछ ही लोग होते हैं। टूटी हुई लकड़ी को भी यदि जोड़ा जाए तो उससे अनेक प्रकार की चीजें बनती हैं, जैसे लकड़ी का फर्नीचर, ऑफिस या घर। जब जड़ वस्तुओं को जोड़ा जाता है तो उनकी उपयोगिता कई गुना बढ़ जाती है। तो जिनके भीतर शुद्ध चेतन, शुद्धात्मा है, प्रेम है, उन्हें जोड़ा जाए तो इन पृथ्वीवासियों के दर्शन के लिए देवता भी दौड़े आएंगे। लकड़ी के गट्ठर के दृष्टांत से व्यावहारिक एकता आ सकती है और ज्ञानी पुरुष के ज्ञानांजन से तत्व दृष्टि प्राप्त होती है। तो आत्मवत सर्वभूतेषु होता है। इस प्रकार जीव मात्र के प्रति अभेद दृष्टि, निर्दोष दृष्टि रहने से आत्मदृष्टि अनंत आत्मारूपी लकड़ी का गट्ठर हो जाती है और हम हमारे भीतर रहने वाली अनंत शक्तियों को प्रकट कर सकते हैं। लेकिन यह कब हो सकता है? जब प्रत्येक जीव में मैं ही तत्व रूप में विद्यमान हूं ऐसा रहे तो पूरे जगत के प्रति, जीव मात्र के प्रति जुदाई दूर हो जाती है। इसके लिए पूज्य दादा भगवान ने एक सुंदर प्रार्थना बताई है। हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव मात्र में विराजमान हैं और मुझ में भी विराजमान हैं। आपका स्वरूप वही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप शुद्धात्मा है। हे शुद्धात्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूं। अज्ञानता के कारण मैंने जो दोष हुए हैं उन्हें मन में जाहिर करें। मैंने जो दोष किए हैं उन सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूं। उनका हृदय पूर्वक खूब पश्चाताप करता हूं और आपके समक्ष क्षमा प्रार्थना करता हूं। हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे और फिर से ऐसे दोष न करूं, ऐसी आप मुझे शक्ति दें। हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि हमें भेदभाव छूट जाए, मिट जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। हम आप में अभेद स्वरूप से तन्मयाकार रहें। इस प्रार्थना से सभी माताजी खुश हो जाते हैं और जो आज तक फोटो में, मूर्ति में थे, वे हमारे भीतर साक्षात प्रकट हो जाते हैं। हाइलाइट्स। यदि टूटे हुए संसार को जोड़ने का कार्य करते हैं, दुखी संसार में आग बुझाने का कार्य करते हैं तो हम सच्चे अर्थ में शक्ति की उपासना करते हैं। जब जड़ वस्तुओं को जोड़ा जाता है तो उनकी उपयोगिता कई गुना बढ़ जाती है। तो जिनके भीतर शुद्ध चेतन, शुद्धात्मा है, प्रेम है, उन्हें जोड़ा जाए तो इन पृथ्वीवासियों के दर्शन के लिए देवता भी दौड़े आएंगे। एकता से मिलजुल कर रहने को ही शक्ति की उपासना कहते हैं।